संघदेश दादरानगर हवेली में जनरेटर निर्माता आदित्य टेकमेच ने चीन की कंपनी से किया करार। चाइना कंपनी से आदित्य टेकमेच के जुड़ाव से दादरानगर हवेली के उद्योग हितों को बल मिलने की संभावना। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली के पिपरिया स्थित जनरेटर निर्माता आदित्य टेकमेच लिमिटेड ने चीन की एक नामी कंपनी से बिजनेस की डील की है। इस डील के बाद आदित्य टेकमेच के जनरेटर उत्पादन की गुणवत्ता में और सुधार आने की उम्मीद है। संभावना है कि इससे दादरा नगर हवेली के उद्योग हितों पर भी सकारात्मक असर पड़ेगा। आदित्य टेकमेच के प्रेसिडेंट मुरलीधर नायर और चाइनीज कंपनी के जू जिनचू ने डील एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए। इसे प्रधानमंत्री मोदी के मेक इन इंडिया से प्रेरित बताया जा रहा है। थैंक यू। I think Aditya is a very good manufacturer for DJ business. As my knowledge is, and as my knowing, in the past 3 years, we know each other, but we didn't do business. But today is a good time we work together, and we are very strong our engine manufacturers, and Aditya is very strong in DJ set. So both of us can work together to develop the DG's market in India. I think Make India is very good policies for India, also for Chinese company to enter to India to develop the India market. Because we believe Make India will have a very bright future. For these reasons, we make investment in Pune, in India directly. We are in India, Vaishai, India, is started 2 years back, manufacturing of engines in Pune. But Vaishai has been in India for more than 10 years, from 2005 we are here. We have more than 100,000, almost 100,000 engines operating already in India, satisfied customer for telecom and various other applications. We have a market share of more than 60% for the marine segment. So we are the world's largest manufacturer of engines. More than 1 million engines per annum is our capacity. And you cannot manufacture so many engines if your quality is not good. So we have got one of the best engines, and we have a very nice partner in Aditya Tech who's manufacturing and supplying high quality products of diesel generating sets. So I think we have a very bright future together. Aditya Tech Mech 5-6 saalon se DG sets bana rahi hai. Aur 2 saal से काफ़ी अच्छा सेल्स में हमारा अच्छा टर्नओवर भी हुआ है। और वाईचाई का नया इंजन का जिससे हमारे साथ कोलैबोरेशन हुआ है डीजी सेट्स के लिए, उससे हमें 10 केवीए से 1500 केवीए तक डीजी सेट्स का रेंज मिल जाता है, जो कि सभी इंडस्ट्रीज का ज़रूरतें पूरी करता है। कि जिसको कम रेंज में चाहिए उसको कम रेंज का भी दे सकते हैं, जिसको ज़्यादा रेंज का या हायर कैपेसिटी का डीजी सेट्स चाहिए उसको भी हम वो डीजी सेट्स हम दे सकते हैं कि 10 केवीए से 1500 केवीए तक का, जो कि बहुत कम कंपनियों के पास ये ऐसा रेंज है। तो हमें उम्मीद है कि ये हमारा जो टेक्निकल कोलैबोरेशन है ये आदित्य टेकमेक को भी काफ़ी आगे लेके जाएगी। हम लोग जनरेटर मैन्युफैक्चर करते हैं, तो जनरेटर मैन्युफैक्चर करने के लिए इसका प्राइम मूवर इंजन होता है। तो इंजिन्स काफ़ी बड़े कंपनीज लाइक बड़े क्यूमिन्स, किर्लोस्कर, कैटरपिलर्स, पर्किंस, तो उसमें से एक वाईचाई जो वर्ल्ड नंबर मरीन्स इंजिन्स का मैन्युफैक्चरर है, हमारे उनके साथ टाइप हुआ है। हम वैसे ही काफ़ी इंजिन बेच चुके हैं भाई। अब हमारा जो वाईचे के साथ जुड़ने का एक कारण ये है कि वाईचे वर्ल्ड के नंबर वन मरीन इंजन मैन्युफैक्चरर हैं। इनका रेंज 15 केवीए से लेकर इनका 2000 केवीए तक इनका रेंज है। तो ये 2000 का रेंज जो है
ये सभी कंपनियों में नहीं है, बहुत कम कंपनी है, तो इससे हमें बहुत फ़ायदा मिलेगा। और पुणे में अपनी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज चालू किया तो एक मेक इन इंडिया का भी इसमें रोल बनता है। वाईचे इंडिया जो है इनके पास काफ़ी रेंज है, और क्योंकि इन्होंने इंडिया में अपना मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज चालू किया है तो हमें आगे जाके, हम पिछले 3 साल से इनके साथ जुड़े हुए थे, तो आगे जाके हमें हमारी रेंज, हमारी जो प्रोडक्ट है इसको काफ़ी बूस्ट करने का, काफ़ी सेल्स करने का हमें अच्छा मौका मिला है। और मेक इन इंडिया के बेस पे हम काफ़ी चीज़ इनसे परचेस करके, जेनसेट बना के हम एक्सपोर्ट करने के हमारी टारगेट है और हमारी मिशन है।